दीनी तबलीगी इज्तिमा अमरावती 18-19-20 फरवरी 2023 को होने जा रहा है। अमरावती के नवसारी टी पॉइंट के आगे तैयारियां जोरों शोरों के साथ है शुरू। संभाग के पास जिलों के लोग इज्तिमा में जुटेंगे। अमरावती शहर में 3 दिवसीय दीनी तबलीगी इज्तिमा का आयोजन अगले माह 18-19-20 फरवरी 2023 को होने जा रहा है, जिसके लिए नवसारी टी पॉइंट से आगे मैदान पर 100 एकड़ खुली जमीन पर इस इज्तिमा के आयोजन को लेकर अभी से तैयारियां करनी शुरू कर दी गई है। इस 3 दिवसीय आयोजन में अमरावती संभाग के 5 जिलों से इज्तिमा में लोग जुटेंगे, जिन्हें महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों से दिल्ली मरकज निज़ामुद्दीन से अकाबरीन आने वाले हैं। उलमा इकराम हाफिज कारी द्वारा दीन और मजहब के बारे में मार्गदर्शन किया जाएगा, संबोधन किया जाएगा। अगले माह आयोजित होने जा रहे इस दीनी तबलीगी इज्तिमा को ध्यान में रखते हुए परमिशन मिलने के बाद अभी से ही युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू की जा चुकी है और समूचे ज़िले से नौजवान व खिदमतगार और शहर अमरावती के खिदमतगार इज्तिमा का तैयार करने में अपनी सेवाएं दे रहे, जिसके तहत नवसारी परिसर में प्रस्तावित आयोजन स्थल पर साफ सफाई करने से लेकर विभिन्न कार्य चल रहे और सभी कामों के लिए अलग अलग समितियों का गठन करते हुए जिम्मेदारों को अलग अलग कामों का जुम्मा बांट दिया गया है। आरजी मस्जिद तैयार करने की जिम्मेदारी हाजी इरफान साहब को दे दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मस्जिद बनकर तैयार भी हो गई है। पिंडौल की जिम्मेदारी हल्का नंबर 4, बिछायत की जिम्मेदारी हल्का नंबर 7, साउंड की जिम्मेदारी हाजी रफीक साहब, लाइट की जिम्मेदारी हसन साहब हाजी अयूब साहब हल्का नंबर 6 दरियापुर को सौंपी गई है। वजू खाना 2000 नल करजगांव, पानी लाने जमा करना चांदूर बाजार को सौंपा गया है। पानी पहुंचाना हल्का नंबर 2 खोलापुर वालों के जुम्मे सौंपा गया है। बैतुल खला 200, तारत खाना 300, गुसल खाना 30 हल्का नंबर 8 के जुम्मे आया है। हजरत निज़ामुद्दीन के अकाबरीनों को खिदमत लाना ले जाने की खिदमत हाजी अनवर खान बिल्डर साहब एंड कंपनी और अबरार भाई AKF के जुम्मे सौंपा गया है। स्टेज की जिम्मेदारी असदपुर वाले पुरना नगर वालों को सौंपी गई है। इज्तिमा से पहले खिदमत वालों की खिदमत हल्का नंबर 3, दिगर सूबे से आने वाले हजरात की खिदमत, खवास की खिदमत बढ़नेरा वालों के जिम्मे सौंपी गई है। उलेमाए इकराम की खिदमत नूरनगर वालों को सौंपी गई है। ट्रैफिक हल्का नंबर 3 के जिम्मे आया है। पार्किंग हल्का नंबर 8, ट्रांसपोर्ट नगर ट्रैफिक पार्किंग खिदमत ट्रांसपोर्ट नगर के और धारनी वालों के जिम्मे आया है। सफाई दौरान इज्तिमा वरुण वालों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सफाई दुआ के बाद हल्का नंबर 3 के जुम्मे आई है। मेडिकल व हॉस्पिटल डॉक्टर निसार डॉक्टर कलीम साहब की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निगरानी की भी जमात गई बनाई गई है। कुरान पाक की रिक के अंजनगांव के जुम्मे आई है। होटल और दुकानों की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस इज्तिमा में 20 जोन और 40 सबीले होंगी। इसके साथ ही ट्रैक्टर और रोलर के जरिए ज़मीन को समतल बनाने का काम फिलहाल चल रहा है, जिसके बाद इज्तिमा गाह तक पहुंचने के रास्तों को भी समतल बनाया जाएगा। इन सभी कामों के लिए सेवादारों द्वारा इज्तिमा गाह पर दिन रात मेहनत की जा रही है। 4 लाख स्क्वायर फुट में बन रहा है पिंडौल। जानकारी के मुताबिक नवसारी टी पॉइंट से थोड़ा आगे सामने में ही 100 एकड़ खुली ज़मीन पर होने जा रहे इस दीनी तबलीग इज्तिमा के लिए 4 लाख स्क्वायर फुट का भव्य पंडाल बनाया जा रहा है, जिसमें एक और 20x40 का एक मंच स्टेज साकार किया जा रहा है, जहां से धर्मगुरु उलमा इकराम द्वारा इज्तिमा के दौरान अपनी तकरीरें दी जाएंगी। एक अनुमान के मुताबिक इस इज्तिमा में अमरावती अकोला यवतमाल वाशिम बुल्ढाना ज़िलों से वास्ता रखने वाले इज्तिमाई इस इज्तिमा में शिरकत करेंगे। साथ ही इस आयोजन में महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों से तबलीगी जमात के कई धर्मगुरु भी शामिल होंगे। विभिन्न सुविधाओं का किया जाएगा प्रबंध। 3 दिन तक चलने वाले इस दीनी तबलीगी इज्तिमा में शामिल होने वाले इज्तिमाइयों को किसी भी प्रकार की दुविधा न हो, उन्हें सुविधाओं को देखते हुए यहाँ पर वजू तहारत गुसल के लिए लगने वाले पानी सहित 2 लाख लीटर पानी की क्षमता से भी ज़ायद पानी की टंकी का निर्माण किया जाएगा। हम आपको बतला दें कि आप जिस चैनल शेर हिंद पर
वीडियो देख रहे हैं, ये चैनल शहर अमरावती से चलाया जाता है। इसी इज्तिमा पर इज्तिमा के आखिरी दिन होने वाली दुआ को भी इज्तिमा गाह से लाइव किया जाएगा। कोशिश रहेगी कि इज्तिमा गाह में कौन उलमा इकराम आ रहे हैं और इज्तिमा के रोज़ाना के बयान हम आप इसी चैनल के मार्फत आप तक पहुँचाते रहे। मैं आप तमाम को बतला दूँ कि इज्तिमा के आखिर दिन होने वाली दुआ को भी हम इंशाल्लाह हमारे चैनल पर लाइव करेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इस दुआ में शरीक हो और इस इज्तिमा की खिदमत को और अमरावती में होने वाले इज्तिमा की तैयारियों को देख सके। और आप सभी से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।